सपा के जिला अध्यक्ष की गुंडई बता देखी भारत माता मंदिर बनाने पर। पीड़ित की जमीन पर कर रहे हैं कब्जा, पीड़ित अपने परिवार के साथ पहुंचा विधानसभा। पीड़ित ने बताया सपा जिला अध्यक्ष द्वारा पूरे परिवार को झूठे मुकदमों में फंसा कर भेजा जा चुका है जेल। पीड़ित परिवार ने विधानसभा पहुंचकर मुख्यमंत्री से लगाई गुहार। देखे संवाददाता रजत भारती की खास रिपोर्ट। नाम बताइए। नाम मंदिर जो हम जमीन दिए हैं उसमें खुदाई करा कर सपा के जिला अध्यक्ष उसको तालाब में तब्दील कर दिया गया है। हम ये चाहते हैं कि आपके माध्यम से हमारी पूरी प्रकरण की जांच माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पहुँचे और माननीय मुख्यमंत्री जी उस पर संज्ञान लेकर के हमारे मुकदमे और वो जो तालाब बनाया गया है उस जमीन को समतल भर करके बनाया जाए। उनका नाम क्या है? उनका नाम अद्याशंकर यादव है, सपा के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं सर। उन्होंने पहले आपको इसकी शिकायत कहीं की है? बहुत जगह शिकायत की है साहब, माननीय उच्च न्यायालय से लगाई और माननीय न्यायालय बलिया और डीएम बलिया, एसपी साहब, एसपी महोदय बलिया, यानी डीआईजी साहब आजमगढ़, यानी हर जगह दे दिया गया है। 50 प्रार्थना पत्र। कौन है ये? किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? सपा के जिला अध्यक्ष हैं साहब, उन्हीं के द्वारा हम। आप यहाँ क्या करने आए थे? हम धरना देने आए थे यहाँ पर, लेकिन हमको धरना नहीं दिया गया, देने दिया गया है। आगे पूरी होगी, आगे क्या करेंगे? आगे हम मांग अगर पूरी नहीं होती तो हम पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करेंगे सर। हम 8 से प्रताड़ित हो रहे हैं, 8 से प्रताड़ित हो रहे हैं। हमारी जमीन को 16 फीट गड्ढा करके उसको तालाब में तब्दील कर दिया गया है। उसके बाद हम लोग को फर्जी केस में फंसा करके और जेल भिजवा दिए। उसके बाद हमारे यहाँ डकैती करा दिए है। डकैती में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर विवेचना हो रही थी, मऊ DIG साहब के आदेश से। उस विवेचना में 395 धारा लगाकर अभियुक्तों की गिरफ्तारी होना था, लेकिन पैसे के बल पर वहाँ के प्रशासन